आपके इस सोलापुर की पवित्र धरती पर दूसरी बार हिंदू जन आक्रोश मोर्चा जो आपके सबके सहयोग से जो आज सफलता की ओर जो बढ़ रहा है, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जितने भी मेरे नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले और हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, जब से मैं देख रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश है लेकिन होश नहीं है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, अगर मैं किसी पर्वत को बताऊं कि इस पर्वत को हटा दे तो आप 2 सेकंड में उस पर्वत को हटा सकते हैं, उतनी शक्ति उतना जोश आप सब में है। लेकिन अब हमें जोश से नहीं, होश और टेक्निकली हमें काम करना है। आज हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे भारत देश को एक अखंड हिंदू राष्ट्र हम कैसे घोषित करें, उस पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या एवं वक्फ बोर्ड का जो अत्याचार हमारे महाराष्ट्र में जो फैलते जा रहा है, इसको हम किस प्रकार से रोके, उस विषय पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। मैंने देखा है, जब जब मैं सोलापुर की इस पवित्र धरती पर आता हूं, मुझे बहुत प्यार इन नौजवानों द्वारा मिलता है, बहुत ही अच्छा संगठन देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। लेकिन जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई सभा होती है, जब हम सभा करने के बाद में जब चले जाते हैं, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का जो खून है, जो जोश है, वो ठंडा हो जाता है। क्यों? इस विषय पर आप लोगों को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज इस आक्रोश मोर्चे का एक ही एक उद्देश्य है, सोए हुए हिंदू को जगाने का। हमारा जो हिंदू है वो कुंभकर्ण बनते जा रहा है। कुंभकर्ण पता है कौन था? जो 6 महीने खाता था और 6 महीने सो जाता था, फिर उसको उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वैसे ही आज का हमारा हिंदू भाई कुंभकर्ण बढ़ते जा रहा है। मित्रों, हमारे इस सोलापुर के क्षेत्र के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? क्या हम हैदराबाद से आएंगे, बोलिए आप, या हमारे नितेश भाई राणा जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे चुनाव प्रचार के लिए भी वो आए थे, क्या वो आएंगे? आपकी रक्षा आपको खुद ही करना पड़ेगा। लव जिहाद को मुंह तोड़ का जवाब देना आपको ही पड़ेगा। गमा की रक्षा आपको ही करने पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो नोटिस भेजा जा रहा है, इन गद्दारों को जवाब आपको ही देना होगा, संगठित होकर। मैंने सुना है कि यहां के कार्यकर्ता जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं, जातिवाद धर्मवाद में हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका नुकसान किसे होगा, किसका होगा नुकसान? मैं लिंगायत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गॉड हूं, मैं मराठा हूं, ये अगर भावना हम सब में रहेगी तो कभी भी हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश नहीं बनने वाला। मेरे भाइयों, बनेगा क्या? अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको पूछे कि तुम किस जाति को हो, तो तुम उसको कहना कि मेरी जाति हिंदू जाति है, मैं एक हिंदू हूं सबसे पहले, ये आप उस व्यक्ति को जवाब देना। अगर आप प्रारंभ करेंगे तो आने वाले समय में आपको देखकर हर राज्य का हिंदू कहेगा कि सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं।
उसके बाद में मैं उस जात का हूं, मैं उस समाज का हूं। यह हमें एक अवेयरनेस लाने की आज आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज हमारे इस सोलापुर के ग्राम देवता सिद्धेश्वर महाराज जी उस मठ को, उस मंदिर को वक्फ बोर्ड के लोग बताते हैं कि हमारा लैंड है। क्या इनके बाप का लैंड है क्या? क्या इनके बाप का लैंड है क्या बताइए? आज अगर हमारा भारत देश अगर इस चीजों पर अगर विचार नहीं करेगा तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत सारे यहां पर युवा पीढ़ी है, आप सबको पता नहीं है ये वक्फ बोर्ड क्या है। आपको पता है क्या वक्फ बोर्ड क्या है? ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून, एक ऐसा एक्ट बनाया गया, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर, कोई भी व्यक्ति अगर इस बिल्डिंग को अगर एक नोटिस भेज दे कि ये लैंड, ये बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की है, तो ये बिल्डिंग वाला खाली करके चले जाना। भारत की कोई भी ताकत, कोई भी संविधान, कोई भी कोर्ट इस बिल्डिंग को नहीं बचा सकता। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे चिच्चा नेहरू जी ने 1954 में इन जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। 1947 में हमारे भारत देश को आजादी मिली, पता है ना? भारत देश को आजादी कब मिली? 1947 में। 1947 में जब भारत देश को आजादी मिली, जब पहले प्रधानमंत्री हमारे चिच्चा नेहरू जी बने, तो हमारे चिच्चा नेहरू जी ने जो भारत के दो टुकड़े कर जो पाकिस्तान भाग गए मुसलमानों की जमीनों की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया, एक एक्ट बनाया गया। 1995 में उस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया और उस एक्ट में, उस वक्फ बोर्ड में ऐसी कमिटी बनाई गई जो सारे के सारे मुसलमान ही उस कमिटी में रह सकते हैं। उनका कोर्ट अलग, उनका कानून अलग, सब कुछ अलग। चंद वोट बैंक के खातिर, चंद वोटों के खातिर उन्होंने उस एक्ट को इंप्लीमेंट किया। आपको पता है मेरे मित्रों कि पूरे भारत में सबसे बड़ी जमीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, 18 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ लैंड रेलवे के पास है, लेकिन तीसरी अगर सबसे बड़ी अगर किसी के पास जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। कितनी है पता है जमीन? 10 लाख एकड़ लैंड। यानी 10 लाख एकड़ लैंड पर इनका कब्जा है। और ये लैंड कहां से आया इसके ऊपर भी चर्चा करने की आज आवश्यकता है। 13 साल में यानी 2009 में इनके पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी और 2022 आते आते इनके पास 10 लाख एकड़ से बढ़कर हो गई जमीन। 10 लाख से 10 लाख एकड़ मजाक नहीं है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जमीन होती है 10 लाख एकड़। और इस वक्फ बोर्ड के पास किस किस क्षेत्र में कहां कहां पर कितनी कितनी जगह है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देश में वक्फ बोर्ड की खेती की जमीन 1,40,000 एकड़ पूरे देश में। देश में वक्फ बोर्ड की दरगाह, मजार, मकबरे की जमीन 33,000 एकर्स। देश में वक्फ बोर्ड की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन 1,50,000 एकड़ लैंड। देश में वक्फ बोर्ड का लैंड जो दुकानें होती है ना इनकी, 1,06,801 दुकानें इनकी है। कितनी है? कितनी है?
आप सोचिए, देश में वक्फ बोर्ड के जितने जो घर है ना, इनके कंट्रोलिंग में घर होते 90,000 घर है। देश में वक्फ बोर्ड की ईद का जो होती है ना दरगाह का, जो कुछ कपड़ा उपड़ा डाल लेके वहां बैठ जाते हैं, 9,100 इनके पास जो दरगाह टाइप की जमीनें हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर है मेरे भाइयों, प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में, जो कि 1500 सालों से वहां पर हिंदू पूजा करता है, 1500 सालों से। और ये लोग उस जमीन के ऊपर दावा ठोक देते हैं कि ये जो मंदिर है ये वक्फ बोर्ड का लैंड है। मंदिर में पूजा बंद है, मंदिर में ताले गिर गए। साथ ही साथ दिल्ली, आपको पता है ना, दिल्ली जितना बड़ा स्टेट है उससे 2 गुना एक्स्ट्रा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। यानी 2 दिल्ली एक्स्ट्रा बनाए उतना लैंड इन वक्फ बोर्ड के पास है। अगर मैं केवल सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करूं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का लैंड कितना है, तो सुनिए, पुणे में 9,013 यानी 9,300 एकड़ लैंड, नागपुर में 2,200 एकड़ लैंड, नासिक में 8,400 एकड़ लैंड, कोंडाना में 6,000 एकड़ लैंड और अमरावती में 2,800 एकड़ लैंड। करीब सिर्फ अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 1,00,000 एकड़ लैंड हमारे महाराष्ट्र में इन लैंड जिहादियों ने कब्जा करके रखा है। मैं हमारे शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा, शिंदे जी, आज आपको हम जब भी देखते हैं तो बाला साहब ठाकरे जी का रूप आप में दिखता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी केंद्र को एक पत्र लिखे, आपके जितने भी सांसद जो पार्लियामेंट में हैं, उनको बोलिए कि एक प्राइवेट बिल आप ठोक दें। जैसे नरपत सिंह जी ने एक प्राइवेट बिल डाला है कि ये जो भारत में जो 10,00,000 एकड़ जो लैंड है, ये भारत इनके कंट्रोल में ले ले, भारत कंट्रोल में ले ले। तो इसी प्रकार से भारत के जितने भी हिंदूवादी सांसद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक प्राइवेट बिल फेंक दें। और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं केंद्र में, और उनको सभी लोगों को यह निवेदन करना है कि ये 10,00,000 एकड़ लैंड केंद्र अपने कंट्रोल में लेकर जो पाकिस्तान से 15,00,000 हिंदुओं को मार मार कर उनकी हत्या करके ट्रेनों में भरकर भारत भेजा गया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, आज भारत में यहां वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के दे। जिन हिंदुओं को घर नहीं है उन हिंदुओं को घर बना के दे, कॉलेजेस बना के दे, हॉस्पिटल बना के दे, युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स के प्रति और जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम वहां पर बना के दे। ये हो सकता है ना? मोदी जी है तो सब मुमकिन है मेरे भाई, मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये होने वाला है समझ के चलो, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। साथ ही साथ हमारा एक मित्र बता रहे थे कि हमारे सोलापुर में एक क्षेत्र है, लगभग 250 गरीब मकान है वहां पर इन्होंने दावा ठोक दिया कि ये लैंड वक्फ बोर्ड का लैंड है। आज दर बदर वो लोग भटक रहे हैं, उन लोगों पे दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग हमारा धर्म कबूल लो तो हम आपको यहां पर रहने देंगे, नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे। हमारे सोलापुर बिल्कुल बाजू की है, एकदम बगल में ही है, जहां पर इन्होंने नोटिस भेजकर सभी हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पुणे में जो राजीव गांधी पार्क है, 20 एकड़ का लैंड, लगभग 100 करोड़ रुपए का लैंड है, उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए दबाव डालना स्टार्ट किया, उसको भी नोटिस भेज दिया है। जब पुणे की बात आई तो एक बहुत ही अफसोस घटना सुनने को मिली है। कल का मेरा प्रोग्राम था सासवाड़ा में,
आज रात को मैं निकलने वाला था सासवाड़ा में, मुझे पता चला कि हमारे दोस्त की हत्या कर दी गई। जो शरद भाऊ जी है वो और मैं इसी प्रकार की एक धर्म सभा को हम लोगों ने संबोधित किया था शिरडी के श्रीरामपुर में। वो इंसान जो अपना पूरा जीवन देश के प्रति, धर्म के प्रति गौ रक्षा में बिता दिया, वो इंसान जिसने जेल में एक आतंकवादी को उसकी सबक सिखाकर उसको वहीं पर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया था, वो हमारे शरद भाऊ को धोखे से हमारे ही कुछ चमचों को, हमारे स्कूल गद्दारों को खरीद कर उनका कल मर्डर कर दिया गया। वो जो शरद भाऊ की जो धर्म पत्नी है वो भी एक हिंदूवादी है, वो भी आज इस मंच पर आने वाले थी, उनका भी मान सम्मान का कार्यक्रम था। हम सब लोग मिलकर शरद भाऊ की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करना है और तुलजा भवानी माता से प्रार्थना करना है कि हे मां, शरद भाऊ को अपनी चरण में जगह दे दे और फिर से इस दुनिया में भेजो, क्योंकि उनका जो अधूरा काम था हिंदुत्व के प्रति वो और भी आगे काम कर सके, फिर कोई ना कोई किसी के भी घर में उनको फिर से जन्म दे, ये हमारी हमें मां से प्रार्थना करना है। इतिहास गवाह है मेरे भाइयों, इतिहास गवाह है कि हमारे हिंदुओं को तो हमारे हिंदुओं ने ही लूटा है। अरे दुश्मन तो दिखता है लेकिन वो दुश्मन को हम कैसे पहचाने जो भगवा पहनकर पीछे चाकू लेकर खड़ा होता है। ऐसे गद्दारों को हमें पहचानना है मेरे भाइयों, और खास करके ऐसे नेताओं को हमें पहचानना है जब जब हिंदुओं को और हिंदू कार्यकर्ताओं पर कठिनाई आती है। जो नेता घर में चुप जाता है उसको सबक आप सब लोग मिलकर सिखाना है मेरे भाइयों। आज लव जिहाद के नाम पर क्या हमारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या लव जिहाद के नाम पर अपना धर्म बदलकर झूठा कलवा पहनकर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं ये लोग? अगर वो लोग मशीन नहीं बनती है हमारी बहन, तो श्रद्धा के जैसे 35-35 टुकड़े ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं मेरे भाइयों, भारत के हर राज्य में, भारत के हर राज्य में लव जिहाद का षड्यंत्र फैलते जा रहा है हर राज्य में। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम कितने दिन जियोगे? वहां पर छोड़ दो, ध्यान इधर दो। तुम कितने दिन जियोगे मैं पूछना चाहता हूं। जैसे मैं अभी 45 इयर्स का हूं और बहुत से बाद एक 20 साल जियूंगा या एक 25 साल जियूंगा मैं। हर इंसान को आज नहीं तो कल मरना है। कौन जिएगा 100 साल, 150 साल, 200 साल? लेकिन मित्रों, जब तक तुम जिंदा हो देश और धर्म और समाज के लिए कुछ कर गुजर जाओ, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अरे लव कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब दो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अरे हम कब तक खामोश बैठेंगे और कब तक होते रहेंगे कि मेरी बहन चले गई उस मुल्ले के साथ, मेरी बहन चले गई उस लांडे के साथ? कब तक पुकारेंगे? पुकारने से कुछ काम होने वाला नहीं है। पहले घर घर प्रचार करो, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसकी पहचान करो। पहले हम हमारे घर से शुरू करो। अरे जितने यहां पर नौजवान हैं, अरे घर से अपनी बहन को इस सभा में ला लेना था, या अपनी मां को इस सभा में ला लेना था, या अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारी बहन है उसका हाथ पकड़ के इस सभा में लाना था। हम लोग यही गलती करते हैं कि हमारी बहनों को हम बिठाते हैं और हम तो जय श्री राम का नाम लेकर बाहर आते हैं। नहीं मेरे मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम हमारी बहन और बेटी से हम बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं मेरी बहन? कुछ बातें होती है ऐसी, लेकिन वो कुछ बातें अगर हम कर सकते हैं तो हमारी धर्म पत्नी के द्वारा कर सकते हैं, या
कर सकते हैं या हमारी बड़ी बहन द्वारा कर सकते हैं, वो महिला होकर महिलाओं में अगर प्रचार करेंगे कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन है, अगर इसका हम लोग प्रचार करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं एक भी हमारी बहन, सोलापुर की बहन, लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी। एक भी हमारी बहन सोलापुर में लव जिहाद का शिकार नहीं बनेगी, यह मैं चैलेंज करता हूं। अरे हमारे महाराष्ट्र की धरती पर एक शेर हुआ करते थे जो खाली खड़े होकर सिर्फ एक नारा लगाते थे तो लांडों की फट जाती थी। आज उन्हीं की धरती पर लव जिहाद हो रहा है, आज बाला साहब जी की धरती पर गौहत्या हो रही है, आज लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं हमारे एक नाथ शिंदे भैया जी को यहां निवेदन करने के लिए आया हूं कि भैया जी अगर इन हिंदुओं का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो हिंदुत्व की बात आपने परसों की है मुझे अच्छा लगा, मलंगड़ के लिए मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि के ऊपर हरा कपड़ा डालकर ये कहते हैं कि हमारी दरगाह है। अरे उसी स्थान पर 6 महीने पहले मैंने एक सभा की थी और मैंने कहा था कि चलो आज ही उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, हरे को मिटाकर भगवा कर देंगे। तो हमारे पुलिस भाई सभी लोग आ गए 100-200, नहीं सर आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि तुम मुझे आज रोक रहे हो, कल का दिन देख लेना, आज ये मेरे की आवाज है, आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं की आवाज होगी। और वही मलंगड़ के ऊपर जो मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इन लांडों के वोटों के चक्कर में मत जाइए। अरे आपका जो समय है ना, वो समय खर्च गौ मांस खाने वालों के पीछे ना दे, गौ रक्षा करने वालों के पीछे आप समय दे। मैं देखता हूं कि भारत की कौन सी ताकत होगी जो आपको हरा सकेगी, कोई आपको नहीं हरा सकेगा। अरे महाराष्ट्र का इतिहास है, महाराष्ट्र का एक इतिहास है जो हिंदुत्व की बात करता है, उसको ऊपर उठाकर रखता है, ये महाराष्ट्र का हिंदू है। शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के हर वो हिंदू आज आपके तरफ देख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है। हमारे शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महीने या 2 महीने 6 महीने में एक बार हमारे योगी जी के पास जाकर चाय पे चर्चा करके आ जाइए। योगी जी किस प्रकार से बुलडोजर चढ़वाते हैं इन लव जिहादियों पर, ऐसे कुछ बुलडोजर आपको भी महाराष्ट्र के हर जिले में खरीद के रखना है आपको, या नहीं तो जहां जहां पर आपके आमदार है या खासदार है सबको एक एक बुलडोजर गिफ्ट दे दो। जहां कहीं भी लैंड जिहाद होता है, जहां कहीं भी लव जिहाद होता है, जहां कहीं भी गौ माता की हत्या होती है, उस आमदार और उस खासदार को ये ऑर्डर दे देना कि बेटा चढ़ जा लेकर बुलडोजर। फिर देखिए कि कहां पर कौन गौ माता को काटेगा, काटेगा क्या होना चाहिए, या सिर्फ राजा सिंह की आवाज है या महाराष्ट्र के हर वो नौजवान की आवाज है, आप बताओ मेरे को, आप चाहते हो ना, चाहते हो ना। अरे 22 तारीख के दिन, 22 जनवरी के दिन क्या है उस दिन, क्या है, अरे भूतों ना भविष्य, हमने नहीं सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। कई वर्षों से साधु संत, हमारे जैसे कई हिंदूवादी वक्ताएं
ये मंचों के माध्यम से कहते थे कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे 500 सालों का संघर्ष, 500 सालों का संघर्ष जो राम भक्तों का रहा, आज आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और 22 तारीख के दिन उस मंदिर का, राम मंदिर का उद्घाटन धूमधाम से होने वाला है। मेरे मित्रों, आप सबके पास अक्षत आया नहीं है, यहां पर भी 22 तारीख के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोग उस कार्यक्रम में आपको जाना है, सम्मिलित होना है मेरे भाइयों। क्योंकि हम लोग कहते थे कि राम लला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञान वापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। और काशी में कितने लोग गए यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो एक विशाल नंदी भगवान एक मस्जिद के सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहां कहीं भी हमारा पवित्र शिवलिंग होता है उसके सामने हमारे नंदी भगवान बैठते होते हैं। तो वहां पर भी हमारे ज्योतिर्लिंग को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर वहां पर इल्लीगल रूप से एक ढांचा खड़ा किया गया। योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है कि अयोध्या में बाबर का ढांचा गिराने के लिए आए थे राम भक्त, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। जिस दिन भी ये ढांचा गिराने के लिए कृष्ण भक्त आएंगे, मैं गोली नहीं मैं फूल बरसाऊंगा, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है मेरे भाइयों। और बहुत ही जल्द वो भी कार्य होगा और हम सब वो कार्य देखेंगे। यानी हम सब के सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में राम मंदिर देख रहे हैं, काशी में मंदिर बनते हुए देखेंगे, मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बनते देखेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हिंदू हैं जो अखंड हिंदू राष्ट्र भी बनते हुए हम सब लोग देखेंगे। और देख लेना कि भगवे में कितनी ताकत होती है। जब जब भगवा खड़ा होता है, जब जब हिंदुत्व खड़ा होता है, तो सरकारों को झुककर हिंदुओं के पक्ष में निर्णय लेने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। ये होता है हिंदुओं में संगठन। मेरे भाइयों, मैं आज सोलापुर में तीसरी बार आया हूं, हर बार कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देता हूं, एक काम देकर जाता हूं। आज भी एक काम आपको देने के देकर जाऊंगा मैं, करोगे पक्का? आप साबुन खरीदो, बिस्किट खरीदो, आटा खरीदो या कोई भी चीज खरीदो, खरीदने से पहले उसके पीछे एक बार देख लेना। क्या देखना है उसके पीछे? हलाल सर्टिफाइड, कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या, ये चीज देखना आपको। अगर हलाल सर्टिफाइड या हलाल का अगर ट्रेड मार्क रहा तो वो उठाकर उस दुकान वाले के मुंह पे मार देना। अब देखिए ये हलाल क्या चीज है। ये हलाल का जो सर्टिफिकेट है, ये कोई भारत की सरकार नहीं या महाराष्ट्र की सरकार नहीं, ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन लोग है जो हलाल सर्टिफिकेट का निर्माण करते हैं और कंपनियों को देते हैं। हल्दीराम, हिमालय प्रोडक्ट, पतंजलि प्रोडक्ट, महिलाओं का श्रृंगार, कोल्ड ड्रिंक हो, टूथपेस्ट हो, खाने का सामान, मेडिकल सामान, चावल हो, दाल हो, आटा हो, हर चीज पर पहले मांस पर ही हलाल का
एक स्तंभ होता था, वो भी इस्लामिक कंट्री में जाने वाला एटम पर ही ये लोग स्टैंप मारते थे। लेकिन आज हर हिंदू जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके पीछे हलाल का ट्रेड लगाकर ये लोग बेच रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है मेरे हिंदू भाइयों। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में वो जो पैसे से ये लोग कमाई करेंगे उसी से हमारी हत्याएं होगी। यूपी में एक कमलेश तिवारी नाम का एक हिंदूवादी नेता था, उसकी गला काट कर हत्या की गई इन लांडों द्वारा, मार दिया गया उसको। यूपी का और एक एक देशभक्त चंदन गुप्ता, दिल्ली का अंकित तिवारी, इनकी भी हत्याएं हो गई। जो हत्या जिन्होंने किया है उनको फाइनेंशियली फिजिकली यही लोग एडवोकेट खड़ा करके उनके बिल के पैसे लोग देते हैं। भारत में लव जिहाद जैसे संगठनों को बाइक का पैसा देते हैं, पेट्रोल का पैसा देते हैं, उनको अच्छे कपड़े खरीदने के लिए यही सर्टिफिकेट से पैसे कमाने वाले लोग देते हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है कि ये कौन से नाम पर ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं? जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, इस पे ध्यान देना मेरे भाइयों। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया, ये सब के सब इल्लीगल रूप से हमारे भारत में सर्टिफिकेट के नाम पर स्टैंप लगाकर लाखों करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं। 2006 में मालेगांव बम ब्लास्ट, 2611 में मुंबई रेल ब्लास्ट, 2611 हो यानी कईयों ब्लास्ट जो हुए हैं उनके पीछे भी यही आतंकवादी संगठन फाइनेंशियली और फिजिकली ये लोग पैसे खर्च करते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए हमारी मौत का सामान हमें नहीं लेना है मेरे भाइयों, हमारी मौत का सामान हमें नहीं लेना है। इसलिए कोई भी चीज खरीदो एक बार उसको देखो समझो उसके बाद में ही खरीदो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ में आखिरी बार मैं आपको एक काम देकर जाने वाला हूं। जो भी हिंदू भाई यहां पर आज अकेला आया है, आने वाले समय में जैसे इस आक्रोश मोर्चे के जो भी ऑर्गेनाइजेशन भाई बंधु है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि फिर 6 महीने के बाद एक सभा का आयोजन आप सबको करना है और उस सभा में लगभग मैं 5 घंटे मंच पर रहूंगा। पहले 5 घंटे में से 4 घंटे रिपोर्ट कार्ड पूछूंगा आप सबसे। आपको जो मैं काम देने वाला हूं सबसे पहले कि मैंने सोलापुर में इतनी गैया मैयाओं को बचाया है वो आप मुझे बताना है। मैंने इतने लव जिहादियों के हाथ से मेरी बहन बेटियों की रक्षा की है वो कार्ड आपको बताना है। मैंने लैंड जिहादियों से इतने लैंड को, इतने हिंदुओं के लैंड को मैंने सुरक्षित किया है वो आप सबको बताना है। मैंने लव जिहाद के नाम पर घूमने वाले लांडों को इतने फोड़े हैं ये मुझे आप बताना है। मेरे भाइयों, भले ही हमारे महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, मैं 2 इंसान का फॉलोअर हूं, एक तो महात्मा जी के डंडे का, दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का, और हमें इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी सोच रखने की आवश्यकता है। आज अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं ये भावना अगर आप में आएगी, मैं चैलेंज करता हूं मेरे भाइयों, आने वाले समय में हमारी आवश्यकता आपके इस सोलापुर को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि हमें यहां कर यह बोलना पड़े कि यहां पर लव जिहाद हो रहा है, यहां पर लैंड जिहाद हो रहा है, यहां पर गौ हत्या हो रही है, ये बोलने के लिए आप लोग हमें मौका नहीं देंगे। पक्का है ना? काम दोगे ना?
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एक नाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए नहीं तो हम सबक सिखाएंगे, जो भी लैंड जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नितेश भैया जी ने कहा कि हम लव जिहादियों के आंखों को निकाल कर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।